सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें थोड़ा समय लगता है या जो तय समय हमने किया होता है उसमें सफलता हमें नहीं मिलती है तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार तो हम अपने गोल को छोड़ ही देते हैं कि छोड़ो, अब नहीं होगा मेरे से। तो मैं ऐसे लोगों के लिए जो पैशनेट हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए और काम कर रहे हैं, और जब हौसला टूटता है तो जो टूटते हुए हौसले को जो बल देंगी वो लाइनें मैं कुछ यहाँ बोलना चाहूँगा जो एक बहुत बड़े लीडर हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, शायद उन्होंने लिखी हैं। तो मैंने भी कहीं से ये उनको सुना था, और जब मैं संघर्ष कर रहा था उस समय मुझे इन लाइनों ने काफ़ी हौसला दिया था, हिम्मत दी थी। तो लाइन इस तरह से हैं कुछ कि मेरी हालात पर हंसने वाले ये न सोच लें कि मैं कमज़ोर हूँ, यह तो वक्त की बात है कि कभी दिन है तो कभी रात है। मेरी हालात पर हंसने वाले ये न सोच लें कि मैं कमज़ोर हूँ, ये तो वक्त की बात है कि कभी दिन है तो कभी रात है। अभी सूरज निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, और अभी मुर्गे का बांग देना बाकी है। इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है कि हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, मैं आ रही हूँ, थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूँ। और आगे नसीहत देते हैं वो, याद रखना रास्ता कितना भी कठिन हो पर सच्चाई का साथ ना तुम छोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाएं पर अपने सिद्धांतों को न छोड़ना। मेरी हालात पर हंसने वाले ये न सोच लें कि मैं कमज़ोर हूँ, ये तो वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। दोस्तों, हालात सदा एक जैसे नहीं रहते हैं, अगर रात है तो दिन भी निकलेगा, और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। तो जब कभी भी आप मायूस हों, दुखी हों, परेशान हों तो इन लाइनों को ज़रूर गुनगुना लिया करें और इनको हमेशा स्मरण में रखा करें, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।